सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम डिटेल जानेंगे जॉन डियर के 5405 की, जो कि फोर व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आ रहा है। इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, क्या इस फोर व्हील में खास दिया गया है और कंपनी ने क्या क्या इसमें नया चेंज किया है। सबसे पहले अगर लुक की बात की जाए तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन में दिख रहा है। वहीं आप साइड से देखेंगे तो हर जॉन डियर की तरह इस पर भी 5405 लिखा हुआ है और इसका रीज़न भी आपको मैं बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है 5405। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें गियर प्रो लिखा हुआ है और उसी के नीचे कॉलर स्विफ्ट V14 लिखा हुआ है। और ये फोर व्हील ड्राइव सिस्टम है इसलिए इसमें फोर व्हील ड्राइव की भी ब्रांडिंग दी गई है। वहीं मडगार्ड अगर देखें तो आप नॉर्मल स्टाइल के जॉन डियर जैसे ही दिए गए हैं। अब अगर इसके इंजन की डिटेल में बात की जाए तो जो इसका इंजन है वो रेडिएटर विद इंटरकूलर के साथ आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है, जिसमें आपको सामने एक ड्राई एयर क्लीनर मिल जाएगा जो कि 6 इंचेस का है। उसी के नीचे आपको बैटरी मिल जाएगी और उसी के बीच में आपको 2 इंटरकूलर मिल जाएंगे, जिसमें से एक डीजल के लिए दिया गया है, मतलब डीजल को ठंडा करने के लिए, और दूसरा जो है वो टर्बो की हवा को ठंडा करने के लिए दिया गया है, जिसकी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे काम करती है। उसी के साइड से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा रेडिएटर मिल जाएगा, जिसके साइड से 2 पंप दिए गए हैं, जिसमें एक हाइड्रोलिक का है और दूसरा पावर स्टेयरिंग का है, और दोनों का ही एक ही ऑयल है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर कोई सेपरेट ऑयल नहीं लगता है पावर स्टेयरिंग के लिए। साथ ही इसके रेडिएटर को देखा जाए तो काफ़ी बड़े साइज में दिया गया है और ये भी ओवरफ्लो विद द रिजर्व ऑयल आता है, मतलब इसके अंदर रिजर्व की टंकी दी जाती है जिसमें आपको कूलेंट डालना होता है। उसी के आगे अगर हम इसके ब्रेक्स की बात करें तो ये पावर ब्रेक दिए गए हैं। पावर ब्रेक वो होते हैं जिसके अंदर ऑयल से ऑपरेट होता है, मतलब कोई भी लिंकेज सिस्टम नहीं दिया जाता। आप प्रेस करते हैं तो टेंडम सिलेंडर से ऑपरेट होकर ब्रेक लगते हैं, जो कि सेल्फ एक्चुएटिंग होते हैं और सेल्फ एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब आपको बार बार इन्हें एडजस्ट करना नहीं पड़ता। इसमें जो फोर व्हील सिस्टम दिया गया है वो बिल्कुल अलग स्टाइल में दिया गया है, मतलब अलग से नीचे एक सिस्टम लगाया है जिससे फोर व्हील ड्राइव ऑपरेट होता है, और उसी के साथ ये शाफ्ट आती है जो कि फ्रंट टायर की तरफ जाती है और इसके अंदर ये फ्रंट टायर डायरेक्ट अटैच होते हैं। वहीं अगर इसके फ्रंट की बात की जाए तो इसके फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है और काफ़ी ज़्यादा हाइट दी गई है ट्रैक्टर की, इसी के कारण ताकि इंजन में ये शाफ्ट टच ना हो। काफ़ी सारे ट्रैक्टर होते हैं जिनके बीच से शाफ्ट निकल कर आती है, जिससे कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो बढ़ जाता है। इसका वहीं देखा जाए तो हाइट बढ़ा दी गई है। उसी के आगे इसका पावर स्टीयरिंग लगाया गया है जो कि डबल साइड एक्चुएशन सिस्टम के साथ आता है। ये जॉन डियर को सभी ट्रैक्टर में कर देना चाहिए। और साथ ही इसके जो फोर व्हील सिस्टम दिया गया है ये बबल पिनियन पर दिया गया है, मतलब इसके अंदर बबल गियर लगाया गया है जिससे आप काफ़ी आसानी से टर्निंग पर इसे काम करवा सकते हैं। उसी के साथ इसके ऊपर ग्रीसिंग पॉइंट भी दिया गया है, मतलब इसको आपको टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना होगा। अगर इसके टायर साइज की बात की जाए तो 11.2-24 के ये टायर दिए गए हैं। अब इस ट्रैक्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंजन की बात की जाए तो इसका 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंटरकूलर के साथ इंजन दिया गया है जो कि JD का आता है। ये जो है 3029T का ही इंप्रूव वर्जन है। वहीं अगर इसका टर्बो देखेंगे आप तो इसमें टर्बो सिस्टम अलग स्टाइल में दिया गया है। हो सकता है इसमें टर्बो लेगिंग जो होती है उसे अवॉइड किया जाए, इसलिए यह नया सिस्टम लगाया गया है और ये काफ़ी अच्छा ऑपरेशन में है, ऐसा कंपनी का कहना है। उसी के बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें 2 डीजल फिल्टर दिए गए हैं, जिसमें एक पेपर फिल्टर होता है, दूसरा क्लॉथ फिल्टर होता है। उसी के आगे अगर इसके क्लच की बात की जाए तो इसका डबल क्लच दिया गया है। डबल क्लच का मतलब ये होता है कि ये क्लच अलग है और इसी के साथ PTO का क्लच अलग दिया गया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहीं अगर इसके ऊपर बैठ कर देखा जाए तो सबसे खास बात इसमें यह है कि इसका एडजस्टेबल स्टेयरिंग है, मतलब 25 डिग्री तक आप इसका स्टेयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। वहीं उसके आगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो इसमें न्यू स्टाइल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। इसी प्रकार के सभी ट्रैक्टर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कर देना चाहिए जॉन डियर को, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी के साथ दिख रहा है और इसके अंदर काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। उसी के बाद अगर इसके गियरबॉक्स की बात की जाए तो इसके वारा फॉरवर्ड 4 रिवर्स वाला कॉलर शिफ्ट गियरबॉक्स दिया गया है, जो कि कंपनी का कहना है कि गियर प्रो सिस्टम के साथ आता है। मुझे गियर प्रो समझ नहीं आया, लेकिन इसे कह सकते हैं कि ये कॉलर शिफ्ट गियरबॉक्स है जिसके अंदर आप 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स ले सकते हैं। उसी के साथ इसी में ही पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है, मतलब आप सी टाइप में स्टाइल करेंगे तो इसका पार्किंग ब्रेक लग जाएगा क्योंकि पावर ब्रेक दिए गए हैं। वहीं अगर इसका हाइड्रोलिक सिस्टम देखा जाए तो ये ADDC टाइप का दिया गया है, जिसमें 2 लीवर होते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल होता है, दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। पोजीशन कंट्रोल से आप पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं और ड्राफ्ट से उसकी गहराई सुनिश्चित करके उसी पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो लीवर है आपको डबल एक्चुएशन सिस्टम के लिए दिया गया है, जो कि DC वाल्व का ऑपरेशन में काम आता है, जिससे आप पल्टी प्लो चला सकते हैं।
वहीं इसका जो की सिस्टम है वो बिल्कुल अलग स्टाइल में साइड से दिए गया है और उसी के नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे आपको स्टॉपर स्विच मिलेगा और वहीं ट्रैक्टर के बीच में देखा जाए तो एक हल्का सा बम्प भी दिया गया है। अब अगर डबल क्लच का सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लच दिया गया है जिससे आपकी पीटीओ इंगेज होती है, इसलिए इसे डबल क्लच कहा जाता है। उसी के साइड से आपको फोर व्हील इंगेजमेंट सिस्टम के लिए गियर दिया गया है, मतलब आप इसे आगे करेंगे तो आपका फोर व्हील इंगेज हो जाएगा और पीछे करेंगे तो आपका फोर व्हील डिसइंगेज हो जाएगा। और उसी के नीचे एक छोटा सा लीवर दिया गया है जिससे आप इकोनॉमी और पावर पीटीओ कर सकते हैं। अब अगर इस ट्रैक्टर का बैक एंड का व्यू किया जाए तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 2000 केजी दी गई है जो कि एडीडीसी टाइप में है और ये भी मीटर टाइप की डिज़ाइन हाइड्रोलिक लग रही है जिसे जेडी जेडी रॉक शार्ट नाम से कहता है। हो सकता है ये कुछ इंप्रूवमेंट वर्जन हो मीटा का, लेकिन ये जेडी रॉक शार्ट नाम से आती है। रॉक शार्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक रॉक लगी है जिसके ऊपर ये हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन किया गया है और ये है 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ आता है जो कि 5310 के अंदर पहले से ही आ रहा है। और अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी देखी जाए तो लगभग उसी के बराबर भी दी गई है। वहीं अगर हम इसकी पीटीओ की बात करें तो इसकी 54.1 की पीटीओ एचपी दी गई है ऐसा लिफलेट पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी 53 के करीब पीटीओ एचपी होनी चाहिए। उसी के बाद अगर इसका एक्सल की बात की जाए तो सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग के साथ एपिसाइक्लिक रिडक्शन वाला गियर ड्राइव सिस्टम दिया गया है जिसमें कि प्लेनेटरी ड्राइव आता है और इसमें आपको एक पॉइंट ग्रीसिंग का दिया गया है जिस पे आपको टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना होगा। उसी के बाद अगर इसकी फ्यूल टैंक की हम कैपेसिटी की बात करें तो ये करीब 68 लीटर की दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है 64 HP कैटेगरी रेंज के ट्रैक्टर के लिए। वहीं अगर इसके टायर साइज की हम बात करें तो सामने के जो टायर हैं वो दो ऑप्शन में आते हैं जिसमें एक 9/5/24 का है और दूसरा 11/2/24 का है। वहीं अगर बैक टायर की बात करें तो ये 16/9/28 का ही दिया गया है। तो यही सब कुछ है 5405 के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।